नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का अभी चार्ट सेटअप बन रहा है और आने वाले टाइम में कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा जहां पर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड भी वही लेवल के ऊपर बहुत ही बेस्ट बन रहा है अगर स्टॉक का प्राइस एक सर्टेन लेवल के आसपास आ जाता है तो डिटेल्स में स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए कोरी था यहाँ पे सबीर जी का। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करते हैं रैशियो चार्ट से। एंड रैशियो चार्ट क्या है एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे रैशियो चार्ट में ओपन किया हूँ ट्राइडेंट वर्सेस निफ्टी 500 का एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप यहाँ पे रैशियो चार्ट को देखेंगे प्राइस देखिए यहाँ पे जो पीक बना था ईयर 2003 में एंड उसी लेवल को देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था। इसका मीनिंग ये है कि जो 2003 के लेवल था ना ये था प्राइस के लिए एक मल्टीयर का रेजिस्टेंस जिसको प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेक किया 2021 में। आफ्टर 18 इयर्स देखिए प्राइस उस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। आज पर तो प्राइस एक्शन अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है वही लेवल अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया था 2021 में ईयर 2023 ईयर का हाई को। ओके यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल अभी के लिए बन गया है सपोर्ट एंड प्राइस कंटिन्यूशन मूव दिया। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे जो 21 ईयर्स का सपोर्ट था प्राइस उसी लेवल को यहाँ पे होल्ड किया एंड यहाँ पे रिवर्सल साइन दिखाई दे रहा है, मतलब आउट परफॉर्मेंस का साइन दिखाई दे रहा है। एंड रैशियो चार्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में ट्राइडेंट जो है निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है जो कि एक पॉजिटिव साइन है एज पर द रैशियो चार्ट। एंड रैशियो चार्ट देखिए यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड चैनल को भी ब्रेकआउट कर चुका है तो रैशियो चार्ट तो यहाँ पे सिग्नल दे रहा है आउट परफॉर्मेंस का। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट का चार्ट सेटअप के ऊपर, देखते हैं कि ट्राइडेंट में किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी ट्राइडेंट का वीकली चार्ट ओपन किया हूँ एंड प्राइस देखिए ऑलरेडी एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर एक बार स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है उसके बाद तो स्टॉक का जो अपसाइड है ना हमेशा से अनलिमिटेड है जब तक कि कोई बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल इसमें हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि स्टॉक में अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है एंड उसका जो प्रीवियस हाई था जो कि था हाई 2005-2004 का उसको देखिए प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे 2021 में ब्रेकआउट कर चुका है एंड ब्रेकआउट के बाद ये अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था एंड अभी देखिए प्राइस पुल बैक करके उसका जो 2020 के बाद यहाँ पे जो मोमेंटम लाइन को प्राइस फॉलो कर रहा था ब्लैक लाइन देखिए उसी लेवल से प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है, मतलब बाइंग देखने को मिला है। एग्जैक्टली 2020 मतलब जो लास्ट थ्री ईयर का सपोर्ट है ना जो ब्लैक लाइन जा रहा है उसी लेवल के आसपास देखिए प्राइस कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है। जिस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, जिस टाइप का प्राइस देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट कर रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस उसका जो लाइफ हाई है ना 70 को टेस्ट करेगा एंड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नहीं तो इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से और भी ज़्यादा अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर आपके पास है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एंड फ्रेश एंट्री करने के लिए जो बेस्ट लेवल रहेगा वो रहेगा नियरली 42-43 के आसपास। क्योंकि देखिए अगर करंट लेवल में एंट्री करेंगे ना हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है बिलो 34.5। अगर करंट लेवल से बिलो 34.5 तक देखेंगे तो अराउंड बन रहा है रिस्क 28%। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर लेता है नियरली 42-43 के आसपास उसी केस में यहाँ पे रिस्क बन रहा है 20% जो कि एक मैनेजेबल रिस्क है। तो एक बार अगर स्टॉक का प्राइस पुल बैक कर लेगा नियरली 42-43 वो एक बेस्ट लेवल हो सकता है फॉर फ्रेश एंट्री। नो डाउट जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, चार्ट सेटअप बहुत ही बुलिश है। करंट प्राइस चल रहा है 47.5 और 4 पॉइंट का अगर करेक्शन आ जाएगा एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा एंड दोनों केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 34.5 जो कि उसका प्रीवियस स्विंग लो है ये रहेगा एग्जिट पॉइंट। तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा एंड एज यूजुअल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। प्राइस यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल शो कर रहा है एंड यहाँ पे जो रेंज था ना इसी रेंज को भी देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। उसके साथ अगर देखेंगे तो लगभग एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ये हो जाएगा उसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा हेड एंड ये हो जाएगा उसका राइट शोल्डर।
एक इन्वर्स साइनसॉइडल पैटर्न शो कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेश एंट्री 3-4 पॉइंट अगर पुल बैक कर जाएगा वहाँ पे रिस्क थोड़ा रिड्यूस होकर 20% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस में 27-28% का रिस्क बनना है, जो कि थोड़ा सा वाइड है। फिर भी देखिए, स्टॉप लॉस के लिए एंड रिस्क एपेटाइट सबका अलग अलग है कैपिटल साइज के हिसाब से, तो यहाँ पे रिस्क को देखकर, आपका रिस्क एपेटाइट को देखकर डिसीजन आप ले सकते हैं। नो डाउट चार्ट सेटअप रेशियो चार्ट एंड प्राइस स्ट्रक्चर में बुलिश शो कर रहा है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।